गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी। गाइस हम आज एमएसटी सीईटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्कुलेशन। इसके पहले हमने रेस्पिरेशन के ऊपर में हमारा क्रैश कोर्स एमएसटी सीईटी का फर्स्ट लेक्चर बनाया है। जिन भी स्टूडेंट ने एमएसटी सीईटी और नीट 2020 के हिसाब से जो फर्स्ट लेक्चर बनाया है हमारा एमएसटी सीईटी और नीट के लिए रेस्पिरेशन, वो नहीं देखा है प्लीज वो पहले देख लीजिए। इसका लिंक मैं रेस्पिरेशन का डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद वाला जो टॉपिक है हमारे पास में सर्कुलेशन। आज हमारा जो टॉपिक है सर्कुलेशन। गाइस अगर आप एमएसटी सीटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो या आप नीट के लिए भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉमन चैप्टर है सर्कुलेशन। क्योंकि ये चैप्टर 11th एनसीईआरटी की बुक में दिया है एंड 12th स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है। तो हमारे पास में एमएसटी सीटी और नीट दोनों के लिए ये कॉमन चैप्टर है, इसलिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक और बात बता दूं मैं आपको, ये लेक्चर जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडिंग तक के आपको सिंसियरली देखना है। जो मैं 2-3 बार वर्ड को आपके सामने बार बार अगर बोलूं ये इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए। मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि आप ये नोट करो, आप नोट करो, इंपॉर्टेंट है बोला वैसे उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो सर्कुलेशन टॉपिक देखते हैं हम। सबसे पहले सर्कुलेशन में से कम 3 से 4 कभी कभी 5 क्वेश्चन भी एक ही ईयर में आते हैं, तो थोड़ा फोकस करेंगे आप। चैप्टर बहुत काम का है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमारे पास में हमको एक चीज पता है, हमें पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड। तो हमारे पास में ब्लड सर्कुलेशन से जो टॉपिक दिया हुआ है, तो इसके पहले हमारे पास में बताया कि हमारे पास में ब्लड कंपोनेंट्स है 3 टाइप के। हम पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, हमारा कैसा रहता पढ़ने का, हम मेजर जो पॉइंट्स है। तो 2 चीजें रहती है, एक रहता है प्लाज्मा, एक रहता है ब्लड सेल। तो हमारे पास में ब्लड 2 में डिवाइडेड है, पहला हमारे पास में प्लाज्मा, सेकेंड है ब्लड सेल्स। तो इसमें जो प्लाज्मा है कितना परसेंट, 55%। प्लाज्मा के अंदर में क्या क्या चीजें रहती है, सीरम, अल्ब्यूमिन, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ थोड़ा फोकस करेंगे आप। प्लाज्मा के पास में प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं, इसमें 3 मेजर रहते हैं। फर्स्ट रहता है अल्ब्यूमिन, सेकेंड रहता है ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड रहता है फाइब्रिनोजेन। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है नीट के पेपर में। अल्ब्यूमिन का मेजर जो काम रहता है, ग्लोब्यूलिन का जो काम है और फाइब्रिनोजेन। तो सबसे पहले अल्ब्यूमिन जो हमारे बॉडी में ये मेजर करता है ऑस्मोटिक प्रेशर का बैलेंस। सेकेंड हमारे पास में है ग्लोब्यूलिन जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है एंड लास्ट है हमारे पास में फाइब्रिनोजेन जो मेजर हमारे पास में क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉट फॉर्मेशन, फाइब्रिन बनाता है। तो ये 3 चीजें आपके पास में नोट करके रखिए अच्छे से कि हमारे पास में अल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन ग्लोब्यूलिन हमारे पास में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, लास्ट फाइब्रिनोजेन क्या करता है, क्लॉट। तो यहां तक के हमारे पास में 3 कंपोनेंट है जिसमें प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स है, इसी के बाद में प्लाज्मा प्रोटीन्स के बाद में हमारे पास में सीरम, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। तो ये हो गया। एक वर्ड आपने सुना होगा हमेशा सीबम और एक वर्ड रहता है सीरम, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सीबम एंड सीरम, ये बहुत काम का है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सीबम मींस क्या, जो हमारे बॉडी से जब सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस मींस कौन सा वाला, जो बॉडी से ऑयल को सिक्रीट करता है, तो ऑयल का जो वैक्सीन सिक्रीशन है वो जो सिक्रीट होता है उसको बोलाते हैं सीबम। एंड देन सीरम, तो सीरम की डिफाइन क्या है, प्लाज्मा किसका कंपोनेंट है, प्लाज्मा का ही, प्लाज्मा विदाउट, सुनो अच्छे से, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम एंड सीबम इज सिक्रीशन विच इज सिक्रीटेड बाय सीबेशियस ग्लैंड। देन ये 2 चीजें होगी। उसके बाद में हमारे पास में प्लाज्मा में और चीजें रहती है, क्या क्या प्लाज्मा में मेजर हमारे पास में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें रहती है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब चीजें उसके साथ में प्रेजेंट रहती है। देन हमारे पास में सेकंड हमारा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 3 टाइप के रहते हैं, ब्लड कंपोनेंट 3, फर्स्ट रहता है आरबीसी, देन सेकंड रहता है डब्ल्यूबीसी एंड लास्ट रहता है प्लेटलेट। तो ये 3 जो कंपोनेंट्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये बहुत काम का है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को कि आरबीसी मींस क्या, डब्ल्यूबीसी मींस क्या और साथ में हमारे पास में जो प्लेटलेट्स है वो क्या होती है। देखिए फटाफट गाइस हम देख रहे हैं अभी। हाँ गाइस, तो हमारे पास में हमारा टॉपिक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मींस
व्हाइट ब्लड सेल देन प्लेटलेट। आरबीसी का ही एक और वर्ड है, एक और नाम बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, इसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट एंड ये तो क्या है प्लेटलेट। हाँ इसी के अर्थ में आरबीसी ये जनरल इनके बीच में कुछ कुछ डिफरेंस है और सबसे काम की चीजें हुई है। आरबीसी के बारे में मेजर वर्ड याद रखेंगे, आरबीसी के पास में खुद का न्यूक्लियस नहीं रहता, सबसे काम का पॉइंट है आरबीसी के पास में खुद का न्यूक्लियस नहीं रहता, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स कैसा, दो ऐसी स्पीशीज है जिसमें आरबीसी के पास में न्यूक्लियस है, मीन्स ये कैसा है काम का क्वेश्चन है अपना कि ये पेपर में आ सकता है, ऐसी कौन सी स्पीशीज जिसमें आरबीसी के पास में न्यूक्लियस है। अगर ऑप्शन में फ्रॉग दिख रहा है तो फ्रॉग के पास में न्यूक्लियस रहता है आरबीसी के पास, इसी के बाद में कैमल दिख रहा है तो इसके पास में क्या रहता है न्यूक्लियस रहता है मेजर, इसी के अंदर सेकंड बायकॉन्केव शेप रहता है। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोला था सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में हाफ मून लाइक हो जाता है ब्लड सेल्स आरबीसी के, तो जिसमें क्या होता था उसका शेप बायकॉन्केव से कैसे कन्वर्ट होता है बायकॉन्वेक्स। सिकल सेल एनीमिया का मेजर रीजन पता है कि क्या होता है, क्यों होता है डिजीज, वो नहीं पता हो तो सुन लो, सिकल सेल एनीमिया मेजर जेनेटिक जो डिसऑर्डर है ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में जो अमाइनो एसिड की चेन है उसके सिक्स्थ पोजीशन पे, कहां पे सिक्स्थ पोजीशन पे हमेशा रहना चाहिए, क्या हमेशा क्या रहना चाहिए ग्लूटामिक एसिड की वैल्यू, इनका आंसर आप सर्च करेंगे कि ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट वैलिन में होता है कि वैलिन का ग्लूटामिक एसिड में, ठीक है अच्छे से सर्च करेंगे। सिंपल सा दिया हुआ है, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं, जी ए जी का कन्वर्जन होता है जी यू जी में, कहेगा जी ए जी मीन्स क्या जिसके कारण ये डिजीज होती है जिसको बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसी के बाद में हमारे पास में आरबीसी बनते कहां पे रेड बोन मैरो में, डिस्ट्रॉय कहां होते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब क्या जहां उनका अंतिम स्थान है उसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, ये क्वेश्चन आया हुआ नीट के पेपर में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। एनसीईआरटी बुक में ब्लैक कलर की लाइनिंग दी है सेकंड पेज जो सर्कुलेशन का, वहां के टॉप में देख सकते हैं वहां पे लाइनिंग हुई है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। इसी के बाद में थोड़ी देर पहले एक और वर्ड बताया था क्या, सीरम मींस क्या प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी लाइन वहीं पे दी गई है, तो दोनों लाइन बहुत काम की है। इसी के बाद में आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन का लेवल रहता है वो नॉर्मल कितना रहता है 16 ग्राम पर 100 ml, वैसे अगर मेल के लिए अगर बताया जाए तो प्रीसाइज दिया हुआ है 13-20 एंड फीमेल के लिए अगर बात करो तो 11.5 to कितना 16.5 इतनी रेंज, तो इतना सब न याद करते हो इतना याद रखो 12 to 16 ग्राम, ठीक है इतना याद रखो। जिसी के अंदर आरबीसी बॉडी ने 120 डे का लाइफ स्पैन करता है, देन क्या होता है वापस से वो 120 डेज के बाद में स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉयड होता है, फिर से राइट बोन मैरो में वापस बनता है। नॉर्मल कितने रहते हैं 5 मिलियन रहते हैं, और इसी के बाद में हम याद रखेंगे आरबीसी का अगर नंबर बढ़ रहा है और नंबर कम हो रहा है तो उसके कारण भी डिजीज होते हैं। आरबीसी नॉर्मल कितना होना चाहिए 5 मिलियन। देन देखिए हमारे पास में डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रहता है, बाय कॉन्वेक्स है एंड देन डायपेटेसिस की मूवमेंट करता है। डायपेटेसिस मींस क्या, आरबीसी का मेजर काम जो हमारा सॉरी डब्ल्यूबीसी का हमारा मेजर काम क्या रहता है, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म का मेजर काम है डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी जो डिफेंस के लिए ही बने हैं, तो जिसके कारण इनके पास में एक प्रोसेस होती है डायपेटेसिस ड्यू टू द अमेबॉइड मूवमेंट, डब्ल्यूबीसी कैन क्वीज आउट या फ्रीज आउट इनटू द ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज में जाते और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर देते, किल कर देते, ये मूवमेंट को बोला जाता है डायपेटेसिस। जिसी में एक और वर्ड आप यूज करेंगे अमेबॉइड मूवमेंट, अमेबॉइड मींस कैसा अमीबा लाइक मूवमेंट, और इनका लाइफ स्पैन कितना है 3 to 4 days। अगर आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी तो उसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल तो उसको पॉलीसाइथेमिया, वैसे यहाँ पे हमारे पास में इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी अगर ये हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास में एक टर्म दिया है जिसको बोला ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को बोला जाता है ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर को बोला जाता है ल्यूकेमिया, तो याद रखिएगा जब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है उसका नंबर दिखता है तो ये रहता है नॉर्मल 5000 to 8000 नॉर्मल नंबर में। देन उसी के बाद में डब्ल्यूबीसी के हमारे पास में दो टाइप है बहुत काम का, नीचे का जो मैं बता रहा हूं आपको इसको अच्छे से नोट करेंगे आप, ग्रेन्युलोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट की अगर बात करो तो ग्रेन्युलोसाइट में तीन रहता है, पहला रहता है न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स बेसोफिल इन तीनों के बीच में मेजर एक डिफरेंस है कि सिर्फ
न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस करता है, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स नहीं करता है, ये मेजर है। फेगोसाइटोसिस मींस क्या, फेगो मतलब फेग लाइक मूवमेंट, साइटोसिस प्रोसेस, तो ये क्या करता है डायरेक्ट रिलीज आउट करने का जो मेजर काम रहता था ये करता है फेगोसाइटोसिस की मूवमेंट। हाँ, इसी कारण न्यूट्रोफिल्स के पास में न्यूक्लियस ज्यादा रहते हैं, दो से ज्यादा है, तो इसके लिए एक वर्ड दिया जाता है इसको पॉलीन्यूक्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, पॉलीन्यूक्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर और पॉलीन्यूक्लियोमॉर्फ ये वर्ड बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स के लिए। इसी के बाद में इयोसिनोफिल्स के पास में सिर्फ दो न्यूक्लियस रहते हैं, तो जिसके कारण इसको नाम क्या देंगे हम, बायलोब्ड। ये बायलोब्ड, इसके पास में न्यूक्लियस बहुत सारे रहते हैं, और कितने रह सकते हैं, एक लास्ट नंबर याद रखेंगे आप, 8 रह सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं रह सकते, तो 8 नंबर याद रखेंगे, 3 टू 5 रहते हैं, 3 टू 6 रहते हैं, लेकिन मेजर आप याद रखेंगे कितने रहते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। देन लास्ट है बेसोफिल, बेसोफिल के लिए एक वर्ड याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी इज नोन एज बेसोफिल, बेसोफिल को बोला जाता है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, और मोनोसाइट को बोला जाता है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, ये वर्ड दोनों याद रखेंगे। इसी के बाद में बेसोफिल, बेसोफिल जो है ये रहता है एस शेप, जिसके कारण इसको बोला जाता है ट्विस्टेड शेप, कैसा, ट्विस्टेड। देन हमारे पास में मोनोसाइट, ये लार्जेस्ट होता है और किडनी शेप का होता है, एक और वर्ड आपके काम का, कि लार्जेस्ट और किडनी शेप। लिम्फोसाइट्स देखते हैं हम क्या है, इसके बाद में एक और वर्ड देख लो मोनोसाइट के बारे में, मोनोसाइट को ये बोला जाता है स्कैवेंजर सेल, कौन सा, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर मींस क्या, जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए सबसे काम का है, जो डायपेडेसिस की मूवमेंट अच्छे से कर सके, तो मोनोसाइट इज नोन एज स्कैवेंजर सेल और मास्टर सेल और मास्ट सेल, ये वर्ड याद रखेंगे आप। स्कैवेंजर सेल इतना वर्ड याद रखो, स्कैवेंजिंग मूवमेंट मींस क्या, डायरेक्ट कोई भी अगर इन्फेक्शन आया है उसको क्या कर लेना, डायरेक्ट जो इन्फेक्शन आया है उसको पूरे के पूरे इन्फेक्शन को किल कर देने का काम करते, तो ये इसके पास में मन रहता है, जिसके कारण इसको क्या बोला था, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट को ही बोला था, स्कैवेंजर सेल किसको बोला था, मोनोसाइट। अब हमारे पास में स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, बेसोफिल, लार्जेस्ट कौन सा हो गया, मोनोसाइट, दो न्यूक्लियस किसके पास में है, बायलोब कौन सा है, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल को ही बोला था एसिडोफिल, एंड देन न्यूट्रोफिल्स के पास में कितने न्यूक्लियस रहते हैं, लास्ट 8, ज्यादा न्यूक्लियस होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, पॉली मॉर्फिक न्यूक्लिया या तो पॉली न्यूक्लियोमॉर्फ, ठीक है, जो भी वर्ड आपको याद है। लिम्फोसाइट दो टाइप के रहते हैं, बी लिम्फोसाइट एक टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट कहां मैच होता है, बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट कहां मैच होता है, थायमस में। हाँ, थायमस ग्लैंड की स्पेशल क्वालिटी सभी को पता है क्या, समय के साथ में छोटा होते जा रहा है क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म कम होता है। इसी के बाद में प्लेटलेट, प्लेटलेट नॉर्मली कितनी रहती है, 2.5 to 4.5 lakh नॉर्मल लैक में, ये गाय में था मिलियन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी 1000 में, एंड लास्ट हमारे पास में प्लेटलेट लैक में, और इसके पास में न्यूक्लियस नहीं रहता है, बाई कॉन्वेक्स रहता है, क्लॉटिंग के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट, प्लेटलेट के पास में क्लॉटिंग मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं क्लॉटिंग ही देखने वाले, एंड देन याद रखेंगे कि प्लेटलेट स्टोर्ड कहाँ रहते हैं, मेगा कैरियोसाइट। अब ये मेगा कैरियोसाइट जो स्पेशल जगह है, जो कहाँ पे रहती है, रेड बोन मैरो के पास में, मेगा कैरियोसाइट ये जगह है जहाँ पे कौन बनते हैं, प्लेटलेट। इसी के बाद में गाइस हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन, देखिए फटाफट ब्लड सर्कुलेशन। हाँ गाइस, तो हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन में लास्ट एक और टॉपिक है छोटा सा, ब्लड कोएगुलेशन। देखिए ब्लड कोएगुलेट मींस क्या, कोएगुलेशन, ब्लड का कोएगुलेशन होना, तो कोएगुलेशन में हमारे पास में एक टर्म है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मींस क्या, लिक्विड जो ब्लड है उसका कन्वर्जन किस में होना, सेमी सॉलिड जेली, ये सभी ने पढ़ा है वर्ड सेमी सॉलिड जेली का, अगर कन्वर्जन होता तो उसको बोला था ब्लड क्लॉटिंग। तो ये मैकेनिज्म होता कैसे, इसके लिए प्लेटलेट रिस्पॉन्सिबल, मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्लॉट बनाने के लिए कौन मेजर रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट को दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन्स, ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। तो प्लेटलेट इंजरी जो सबसे पहले कौन रिलीज होगा, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा और इसके कारण एक एंजाइम एक्टिवेट होगा जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है आपके पेपर में, कौन सा एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण एक्टिवेट होता है, तो वो प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम, जिसके कारण जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल रहता है प्रोथ्रोम्बिन का, ये कन्वर्ट होता है, प्रो मींस फर्स्ट एंड थ्रोम्बिन जो है एक्टिव कंपोनेंट, तो कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिनेज के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में होता है, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन रिस्पॉन्सिबल ब्लड क्लॉट बनाने के लिए। ये जो पूरी प्रोसेस है बॉडी के से जब ब्लड बाहर आ रहा है तब हो रहा है, इनके लिए एक नॉर्मल एंटीकोएगुलेंट जो रिस्पॉन्सिबल रहता है उसका नाम है हिपेरिन। ह्यूमन के बॉडी में जो एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं हिपेरिन।
इसी के बाद में एक केबीसी में क्वेश्चन आया था यार, हिरुडीन किसके बॉडी के सलाइवा से सिक्रीट होता है? हिरुडीन, हिरुडीन ये लीच के बॉडी के सलाइवा से सिक्रीट होता है और इसको भी बोला जाता है, इसका भी जो मेजर काम ये एंटीकोएगुलेंट। देन एक और रहता है जिसको बोला जाता है मार्केटेड प्रिपरेशन में एंटीकोएगुलेंट वारफारिन। ये तीन एंटीकोएगुलेंट याद रखेंगे, अगर ये तीनों आ रहे हैं और चौथा एक और आ रहा है, इसमें से अगर आपने कोई ऑड मैन आउट यूज करना है कि कौन सा डिफरेंस है, तो इनमें मेजर याद रखेंगे तीनों के तीनों क्या है एंटीकोएगुलेंट। अगर अल्टरनेटिव कुछ दिख रहा है तो समझ जाएंगे क्या है, वो कुछ अलग चीज है। ये तीनों के तीनों का मेजर फंक्शन क्या है, एंटीकोएगुलेंट, जो ब्लड को कोएगुलेट होने से प्रिवेंट कराते हैं। तो यहां तक क्या हमारे पास में हमारा ब्लड कोएगुलेशन। देन हमारे पास में नेक्स्ट दिया है, सभी ने ये वर्ड सुना होगा कि हार्ट कहां पे सिचुएटेड है, दोनों कैविटी मीन हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। एग्जैक्टली कहां पे बोल सकते हैं, मीडियास्टिनम। और टिल्टेड कौन से साइड में है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट साइड। तो मीडिया स्टेनम वर्ड यूज किया जाता है। इसी के बाद हार्ट के जो कवरिंग है जिसको बोला जाता है जो पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन वाली, ये भी बढ़ जाते हैं। ब्लड कोएगुलेशन के लिए टोटल टाइम लगता है 2 to 8 मिनट, नॉर्मल जो टाइम लगता है कितना, 2 to 8 मिनट। देन हमको एक और चीज पता है कि ब्लड में सर्कुलेशन जो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेजर हार्ट, पंपिंग जो कराने के लिए। तो पंपिंग के लिए हमारे पास में हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है डबल सर्कुलेशन लाइक स्ट्रक्चर और डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में क्या रहता है, ये साइड रहता है लेफ्ट एट्रिया, यहाँ पे राइट एट्रिया, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन यहाँ पे राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, राइट एट्रिया में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एंटर करता है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या होता है ऑल ओवर बॉडी स्प्रेड होता है एओर्टा के थ्रू। देन क्या होता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड होने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, कहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है लेफ्ट एट्रिया देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी वेन के पास में। हाँ गाइस, यहां पे देखो, यहां पे कैसा भी क्लियर दिख रहा है, बहुत कंजेस्टेड हो गया था, देखो फटाफट यहां पे हमारे पास में हमारे हार्ट, हार्ट में चार चेंबर, लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ये चार चेंबर का जो हार्ट है, चार चेंबर का जो हार्ट है हमारे पास में, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या होता है डबल सर्कुलेशन। ऐसे कौन कौन से स्पीशीज कंप्लीट सर्कुलेशन कर सकते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और इसी के बाद इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये सब आपको फाइंड आउट करके रखना है। एम्फीबियंस क्या करते हैं, रेप्टाइल्स क्या करते हैं, मैं जो मेजर क्रोकोडाइल का अलग से पॉइंट बता रहा हूँ, क्रोकोडाइल वैसे करना चाहिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, लेकिन वो क्रोकोडाइल के पास में रहना चाहिए तीन चेंबर का हार्ट, लेकिन कितने चेंबर का हार्ट रहता है, चार चेंबर का। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के पॉइंट याद करेंगे आप, क्रोकोडाइल के पास में 4 चेंबर हार्ट है जिसके कारण वो डबल सर्कुलेशन करता है, लेकिन उसके किंगडम के सभी लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन करते हैं। तो ये थोड़ा पॉइंट याद रखेंगे हम। यहां तक क्या कहते, सबसे पहले आपको तीन चीजें बताया गया, आर्टरी वेन एंड लास्ट कैपिलरीज। आर्टरीज मींस क्या, आर्टरीज जो है हमारे बॉडी में सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सभी को पता है। देन जितनी भी वेन्स है बॉडी में सभी की सभी जो कौन सा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शन क्या है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरी जो है सिंगल और बहुत ही क्या साइज में जो है एकदम थिन रहती है, क्योंकि उसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज प्रेजेंट है। यहां तक के तीन चीज सभी को पता है। इसी के बाद में हमारे पास में यहां तक के हमारा सबसे पहले जो राइट एट्रिया है यहाँ पे कौन सा ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, देन ऑक्सीजन ब्लड कहां एंटर होगा एवी ओपनिंग के थ्रू वेंट्रिकल में, दोनों के बीच में जो वॉल रहती है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में है, एओर्टा क्या है पूरे के पूरे बॉडी में जो सप्लाई चेंबर है ऑक्सीजन ब्लड का, तो इसने ऑल ओवर बॉडी में क्या सप्लाई करती है ऑक्सीजन ब्लड। देन पूरी बॉडी में सप्लाई होने के बाद में थोड़ी देर के बाद में डीऑक्सीजनेट जब हो रहा है तो कहां एंटर होता है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग ऑफ गार्डेड थी स्टैचियन वॉल से, क्वेश्चन फिर से आया हुआ है सीटी के पेपर में, द ओपनिंग ऑफ स्टैचियन वॉल इज गार्डेड बाय, सॉरी द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा इज गार्डेड बाय स्टैचियन वॉल, और द स्टैचियन वॉल गार्डेड विच
वेनाकावा, तो इंफीरियर वेनाकावा नहीं सुपीरियर वेनाकावा, इंफीरियर वेनाकावा में डिऑक्सीजन ब्लड आया, डिऑक्सीजन ब्लड एंटर होता है लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में एडी ओपनिंग जो रहती है उनके पास में, जो वॉल है बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम मिट्रल वॉल। देन ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शन वाला पॉइंट, आर्टरी सभी क्या कैरी करती है ऑक्सीजन ब्लड, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ने क्या करी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हो कहां गया लंग्स, लंग्स का मेजर काम रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मींस ये क्या करता है डिऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, ऑक्सीजन ब्लड का एंटर किया पल्मोनरी में, पल्मोनरी वेन से कहा जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए राइट एट्रिया। ये पूरी प्रोसेस कितने सेकंड होती है 0.8 सेकंड में, जिसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल। तो यही पे हम दूसरा भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं रेगुलेशन, तो रेगुलेशन में क्या था सबसे पहले ऊपर में होता है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का 0.1 सेकंड का, देन वॉल ओपन क्लोज होगी जिसके कारण दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, देन यहां पे होता है जॉइंट डायस्टोल, दोनों रिलैक्स होते हैं टाइम पे जिसके बाद में ये जो टाइम पीरियड लेता है फिलअप करने के लिए होता है 0.4 सेकंड, देन सबको काउंट करते होता है 0.8 सेकंड, आर्टरियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल देन जॉइंट डायस्टोल। यहां तक के हमारे पास में रेगुलेशन है तीन साइकिल का। इसी के बाद में यहां पे वॉल रहती है, जैसे कि हमारे पास में यहां पे तो ब्लड आ गया लेकिन ये ब्लड वापस से ऊपर पंप ना हो जाए तो इसके लिए गार्डेड मसल्स रहती है और वॉल रहती है जिसको बोलाता है सेमिलुनर वॉल, सेमिलुनर वॉल नंबर में कितनी रहती है तीन रहती है यहां पे सेमिलुनर वॉल, जिसका मेजर फंक्शन क्या है ये भी क्वेश्चन सीटी के पेपर में एक बार आया है, इसका मेजर फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, जो बैकवर्ड फ्लो जाएगा ब्लड का उसको प्रिवेंट करने का। पल्मोनरी वेन कितनी रहती है ह्यूमन बॉडी में, कितनी कितने नंबर की चार रहती है टोटल, कितनी पल्मोनरी वेन कितनी रहती है पल्मोनरी वेन रहती है टोटल कितनी ह्यूमन बॉडी में फोर। हाँ इसी के बाद में हमारे पास में तीन चीजें और सभी को पता है तीन से चार चीजें जो हमारे पास में, फर्स्ट होता है एसए नोड एडी नोड देन रहता है बंडल ऑफिस एंड परकिंजियो फाइबर्स। तो सबसे पहले एसए नोड साइनो एट्रियल नोड को ही बोला जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट, उसके बिना हार्ट क्या नहीं कर सकता है, जो मेजर उसके पास में रेगुलेशन होता है पंपिंग एक्शन नहीं कर सकता, कहां पे सिचुएटेड रहता है लेफ्ट एट्रिया के पास में सिचुएटेड रहता है एसए नोड, यहां से वो इंपल्स देता है एवी नोड को, एवी नोड को बोलाता है पेस सेटर ऑफ हार्ट, देन बंडल ऑफ इज एंड वर्किंग में फाइबर्स के कारण जो रेगुलेशन होता है तो इसको बोलाता है कार्डियक रेगुलेशन। तो ये तीनों चीज याद रखेंगे, एसए नोड को बोलाता है पेस मेकर, साइनो एट्रियल नोड एवी नोड पेस सेटर, देन यहां पर रहते हैं बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजियो फाइबर्स, परकिंजियो फाइबर्स सिर्फ वेंट्रिकल में रहते हैं। इसी के बाद में हमारे पास में एक और चीज पता है हमको कि हमारे बॉडी में 72 बीट्स होते हैं पर मिनट में, तो ये भी वर्ड याद रखेंगे। जो हमारे पास में स्ट्रोक वॉल्यूम रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ये कितना रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम रहता है 70 ml, और हार्ट का जो बीटिंग है एक मिनट में कितना रहता है 1 मिनट में 72, दोनों को मल्टीप्लाई अगर आपने किए तो कितना आता है 5040 ml। तो ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड रहता है 5 लीटर। इसके ऊपर में हमेशा क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला मैंने कैसे यूज किया देख लो, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 मल्टीप्लाइड बाय 72, तो ये कितना आ जाएगा 5040। कभी कभी बोलेगा एक पेशेंट है जिसका हार्ट रेट कितना है 60 बीट्स पर मिनट, तो उसका कार्डियक आउटपुट निकालो, तो कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना 70 ml, हार्ट रेट कितना बताया था उसने 60, दोनों को मल्टीप्लाइड करो, तो दोनों को मल्टीप्लाइड करने के लिए 76 कितना कैलकुलेट करके अपना आंसर आ जाए तो डायरेक्टली अपने पास में आंसर दिए रहेंगे, तो आपको ऑप्शन में डायरेक्टली सिलेक्ट करना है। इसी की जगह आपने उसने 60 की जगह क्या यूज किया 50, तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके दोनों को मल्टीप्लाइड करके आपको आंसर निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाइड करना है हार्ट रेट से निकल जाएगा हमारा कार्डियक आउटपुट। ऊपर में बढ़ दिख रहा है सभी को लिगामेंटम आर्टेरियोजम, सबसे काम की चीज पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक मतलब ये जो है पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा, इन दोनों के बीच के कनेक्शन को बोला जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोजम, जिसी को बोला जाता है डक्टस आर्टेरियोजम ऑफ फीटस, डक्टस आर्टेरियोजम ऑफ फीटस। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे आप, द कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा इज नोन एज लिगामेंटम आर्टेरियोजम। यहां तक के हमारे पास में एक
ये अलग का पूरा हार्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है। डबल सर्कुलेशन में दो टाइप रहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी। पल्मोनरी कौन सा होता है? ये पल्मोनरी टाइप और ये वाला सिस्टमिक। एओर्टा के नाम दिया है सिस्टमिक और ये वाले को पल्मोनरी। यहां तक के हमारे पास में डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस है। देन हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक दिया है हमारे पास में पल्स रेट, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस। मींस हमारे पास में हमको क्या टॉपिक करना है? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट हमारे पास में डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, तो इसमें हमारे पास में टोटल 9 डिसऑर्डर्स है चैप्टर में। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, नेक्स्ट एंजाइना, सबसे पहले टेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस क्या? ब्लड जो फोर्स करता है किसके ऊपर में? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज के ऊपर में। तो जो प्रोसेस है ब्लड का प्रेशर होना जिसके कारण डेवलप होती है डीसी, जिसको बोलाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को भी बोलाता है स्लो पॉइजन और ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता है। नॉर्मल कितना रहता है? नॉर्मल हमारा ब्लड रेगुलेशन का जो प्रेशर होता है कितना रहता है? 120/80 mmHg/mmHg 120 means क्या? सिस्टोल। एंड डायस्टोल means कितना? 80। तो सिस्टोल means और डायस्टोल means, तो ये तो क्या रहता है हमारे पास में ब्लड प्रेशर में, जो एक सिस्टोल एक डायस्टोल, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, जो मेजर करता है, जिसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग means पल्स, मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। देन हमारे पास में हाइपरटेंशन, अगर ये नॉर्मल रेंज से अगर बढ़ रहा है 160/100 अगर इससे बढ़ रहा है, जिसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। कम हो रहा है तो हाइपोटेंशन। देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसी को बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। डिपोजिशन ऑफ फैट्स कहां पे? आर्टरीज में और ब्लड वेसल्स में किसका डिपोजिशन होता है? फैट्स का, जिसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है? थिकनिंग होती है, किसका? ब्लड वेसल की थिकनिंग होती है। और इलास्टिसिटी, अगर ब्लड वेसल की लॉस हो रही है, उसको बोला जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अगर लॉस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहा है ब्लड वेसल की, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस मींस क्या? थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस ये सबस्टर्नल चेस्ट पेन है जो लेफ्ट साइड में होता है, पूरी लेफ्ट बॉडी पैरालाइज हो सकती है। इसको रिकवर किया जा सकता है एक्सरसाइज से, तो इसके लिए एक्सरसाइज से और साथ में आप बोलेंगे रेस्ट से, एंजाइना पेक्टोरिस। और एक और एंजाइना पेक्टोरिस कभी कभी एक्सरसाइज करते समय भी होता है, तो देखा जाए तो एंजाइना पेक्टोरिस का एक अच्छा उपाय है सिर्फ रेस्ट किया जाए। सबस्टर्नल चेस्ट पेन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट साइड टुवर्ड हार्ट। देन हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर तो मींस क्या? जब पंपिंग नहीं हो पा रहा है ब्लड का, फ्लो प्रॉपर वे से नहीं जाता, तो हार्ट फेलियर आता है। देन कार्डियोमेगेली, कार्डियोमेगेली करके एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसको बोलेंगे आप कार्डियो मैगेली। मीन जो हमारे पास में जो हमारे हार्ट, कार्डियो मीन्स क्या? हार्ट। एंड देन सेकेंड वर्ड दिया हमारे पास में मैगेली, तो अगर एनलार्जमेंट हो रहा है, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियो मैगेली। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियो मैगेली। टैकीकार्डिया और बैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया मीन्स क्या? इंक्रीज इन नंबर ऑफ हार्ट रेट देन नॉर्मल। नॉर्मल कितना रहता है हार्ट रेट एक सेकेंड, एक मिनट का? 72 बीट्स। अगर ये 100 तक की चले गया तो उसको बोलेंगे टैकीकार्डिया हार्ट रेट, एंड 60 से कम है तो उसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। और लास्ट है अरिथमिया, अरिथमिया और रिदिम, रिदिम मींस क्या? नॉर्मल ब्लड का जो फ्लो है हार्ट रेट, और मतलब इरेग्युलर हार्ट रेट, तो इसको बोला जाता है अरिथमिया। सबसे अच्छा कौन सा ड्रग है? एंटी अरिथमिक ड्रग। एंटी अरिथमिक ड्रग का नाम लिख के रखेंगे, जिसको बोलते हैं क्विनिडिन। क्विनिडिन इज एन पोटेंट एंटी अरिथमिक ड्रग, एंटी अरिथमिया के लिए दिया जाता है ये, याद रखें ड्रग क्विनिडिन, क्विनिडिन, ठीक है? आपने एक वर्ड सुन रहे होंगे क्विनिन, ये भी एक वर्ड है क्विनिडिन भी। आप पहले क्या लिख के रखो, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। दूसरा जो बता रहा हूँ मैं, अरिथमिया, अरिथमिया का जो ड्रग है एंटी अरिथमिया, मतलब किसी का इरेगुलर हार्ट रेट है उसको रेगुलर करना, उसके लिए ड्रग दिया जाता है, जिसको बोलता है क्विनिडिन, ठीक है? क्विनिडिन। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में एक छोटे से कंसेप्ट देखते चलो, ये हमारे काम की चीजें, यहाँ तक एक टॉपिक हो गया हमारे पास में। इसी के बाद में सभी ने वर्ड सुना होगा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन सभी ने सुना है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन और पिगमेंट है, लेकिन ये बना किससे है? तो बना किससे है? दो अल्फा चैन और दो बीटा चैन अमाइनो एसिड की, जिसमें अल्फा चैन में रहते हैं 141 अमाइनो एसिड एंड बीटा चैन में रहते हैं 146 अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के हिसाब से। देन लिम्फ, लिम्फ क्या कलरलेस फ्लूइड रहता है हमारे बॉडी में, पूरा सर्कुलेट होता है, जिसमें
डायरेक्टली फैट अगर रहा, अगर फैट है तो पूरे फैट का कंजम्पशन करके ब्लड के साथ में अगर फैट मिक्स हो गया तो कैसा होगा, बॉडी प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो जो भी फैट होता है डिपॉजिट किसके हाथ में, लिम्फ, लिम्फ वो फैट का कन्वर्जन नॉर्मल लिक्विड में करके देता है और उसके कारण जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो कनेक्शन है उसके लिए बोला जाता है लैक्टियल्स, क्योंकि वहां पे मिल्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मिल्क लाइक फ्लूइड बन जाता है जिसको बोल रहे हैं लैक्टियल्स। कॉकरोच की बॉडी का जो ब्लड फ्लो है एक समय का, कॉकरोच का 13 चेंबर हार्ट है, तो 13 चेंबर जो हार्ट रहता है जिसके कारण उसको एक सर्कुलेशन के लिए टाइम पीरियड लगता है 5 to 6 मिनट्स, और हमारी बॉडी में कितना लगता है 0.8 सेकंड कार्डियक साइकिल के लिए, और इसकी कार्डियक साइकिल के लिए कितना 5 to 6 मिनट्स। तो बहुत काम का क्वेश्चन है ये, 13 चेंबर हार्ट कॉकरोच के पास में। हार्ट हमारा कैसा, ह्यूमंस का मायोजेनिक, और किससे रेगुलेट किया जाता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसके कारण हम दो सिस्टम रहते हैं, एक रहता है सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एक रहता है पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनोमस सिस्टम। सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन को ही बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन, जो क्या करते हैं फाइट टू फ्लाइट मैकेनिज्म, इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं। और दूसरा रहता है हमारे पास में पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में एसिटिलकोलीन, इट इज अ पोटेंट न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स का ट्रांसमिट करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास सभी ने एक वर्ड पढ़ा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में, वो सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है। तीन चीजें मैंने शॉर्ट में लिख ली है, क्या फटाफट लिख लू, पीवीएम के लिए याद रखें डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस वेव के लिए याद रखें डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल। ये एक वर्ड बोलता था मैं, एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब यहाँ पे वर्ड क्या करना है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और लास्ट पी वेव रीपोलराइजेशन, बस ये तीन वर्ड यहाँ पर बोल रही पोलराइजेशन। और हमारे पास में हार्ट के चार साउंड रहते हैं, आपने सुनेंगे लब डब, अरे लब डब तो रहते हैं, लब डब के अलावा और दो साउंड रहते हैं, लब को बोला जाता है S1, डब को बोला जाता है, लब को बोला जाता है S1, डब को बोला जाता है S2, S3 और S4, ये भी दो साउंड रहते हैं, सुनाई नहीं देते हैं, नॉट ऑडिबल साउंड है, लेकिन जब हार्ट की वॉल अगर ब्रेक हो जाए, अगर हार्ट की वॉल अगर ब्रेक हो रही है तब ये आवाज सुनाई दिया जाता है, जिसको बोला जाता है मर्मर, ये वर्ड भी याद रखेंगे मर्मर। तो मर्मर कब होता है, जब हमारी वॉल्स प्रॉपर वे से फंक्शन नहीं कर पाती, उसको बोला साउंड को मर्मर, और हेजिंग, हेजिंग भी वर्ड यूज किया जाता है। इसी के बाद में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बताया आपको 3 चेंबर हार्ट रहता है, लेकिन एक्सेप्शन किसके पास में है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास में कितना चेंबर का हार्ट है, 3 चेंबर का हार्ट है कि 4 का, जिसके कारण क्या कर सकते हैं डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ तक हमारे पास में सर्कुलेशन दिया हुआ है, इतना जो होल चैप्टर है मैंने आपको मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबके सब आपको कवर करा के, जैसे आपको एक ही काम करना है अच्छे से शॉर्ट में भी नोट्स बनाने अपने पास में पूरे चैप्टर के, और पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे याद से, पूरा का पूरा आपके कंसेप्ट वाइज एक एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने सबके सभी लेक्चर में कवर किए। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, यहाँ तक कि आपको नोट्स गाइस बना के रखना है। थैंक यू गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।